आराम से थे। सभी लोग लाइन से सेमिनार हॉल में बैठे। जैन धर्म को समझने का एक छोटा सा प्रयास है, ये एक छोटा सा कदम है जो हम सब ने उठाया है, लेकिन आगे की मंजिल आपको खुद तय करनी है। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पल पर साक्षी बनते हैं।
चाहूंगा श्री महेश दुबे डायरेक्टर एवं अस्मा महेश जो डायरेक्टर भी है, जो सिंगर भी है, जो राइटर भी है, जो एंकर भी है, प्लीज बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये ऐसे ऑलराउंडर पर्सनैलिटी के स्वागत के हेतु मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा श्री कमल बाबू पापड़ीवाल जी परतवाड़ा इन्हें कि वे आगे आकर इन अतिथियों अतिथि का स्वागत कि आपको इस परिचय से वो मालूम पड़ेगा ही इज मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, ही इज एक्टर, ही इज डायरेक्टर, ही इज कंपोजर, ही इज एफएम चैनल रेडियो जॉकी, ही इज अनाउंसर इन ऑल इंडिया रेडियो, ही इज एंकर ऑन आस्था चैनल, ही इज एंकर ऑन संस्कार चैनल, ही इज एंकर ऑन दिशा टीवी चैनल, ही इज बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट, ही बॉर्न इन परतवाड़ा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, born in Parathwada and taken his education in Jagadamba Mahavidyalaya Parathwada. He has taken keen interest in this documentary on Muktali. Unke liye kuch samkhya main aapke samne rakhunga. Gyan dan jo hame dan gyan hai uska dan. Gyan dan bina jeevan khali khoka hai. Gyan dan bina jeevan khali khoka hai. Jaise bina rel ki gaadi mein dhoka hai. जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी एक धोखा है, अपने ज्ञान को सिद्ध क्षेत्र के उपयोग में लाया है इन्होंने, अपने ज्ञान को सिद्ध क्षेत्र के उपयोग में लाया है इन्होंने, और ऐसा कभी कर्तृत्व ही मनुष्य भाव के लिए अनुपम मौका है, और ऐसा कर्तृत्व ही मनुष्य मनुष्य भाव के लिए अनुपम मौका है। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा सौ बिना दे गरीबे अध्यक्ष भगवान से अमरावती तथा सौ माधुरी चोरापुर चंदौन, कृपया वे दोनों यहाँ साथ में पधारकर श्रीमती अक्षमा महेश जी का स्वागत करें। मैं पर्सनैलिटी है, शी इज अ नाइस एंकर एंड एक्ट्रेस, शी चैनल प्रोड्यूसर एंड एंकर इन एशिया फर्स्ट वुमेन चैनल फोकस टीवी, शी इज रेडियो अनाउंसर इन मुंबई, शी वर्क्स एज अ प्रोड्यूसर एंड एंकर for the stories of Mr. Amitabh Bachchan, L.K. Advani, Udit Narayan, Kumar Sanu, naam jaan lijiye. She worked out on special documentary on Shamshad Begum and MP Priya Dutt. She received many awards in yoga and cycling championship also. She is hosting different stage shows. Just now, she worked on special film project ऑन गंगा अवेयरनेस। उन्होंने अभी मुलाकात में भी मुझे बताया कि गंगा के अवेयरनेस के हेतु जो उसमें कचरा और बाकी जब जमा हो रहा है उसको रोकने के हेतु उन्होंने ये स्पेशल फिल्म प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जिसे गंगा अवेयरनेस फिल्म कहा जाता है। इनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ यहाँ पेश करूँगा। तितलियाँ, तितलियाँ बहुत सी होती है आसमान में, तितलियाँ बहुत सी होती है आसमान में, मौसम के साथ आती है जाती है, मौसम के साथ आती है जाती है, और बिजलियों से कड़कने वाली कुछ ही होती है आप जैसी जो अंधेरे में भी राह दिखलाती है, जो अंधेरे में भी राह दिखलाती है। देखने के लिए लगभग एक साल में, दो साल में, अबाउट तीन सालों से परीक्षा कर रहे हैं, बारिश पहलू पर हम सब की कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत में चार चांद लगाए होते हैं। तो इससे पहले कि हम और कुछ कहें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार तालियों के लिए बजाएं। वो सारे बच्चे एक बार फिर से खड़े होकर हमारे साथ आ जाएंगे तो हमें बोलने में थोड़ा आसानी होगी, हमें अच्छा लगेगा। और सबसे पहले हम भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ और शीतलनाथ जी का जो समर्थ चरण है, अपना जैसा कि सचिन जी ने भी बताया, उन सभी का हम शुभ आशीर्वाद देंगे ताकि ये जो क्रम चल रहा है, ये जो परंपरा चली आ रही है यहाँ पर मुक्ता की, वो दिन ब दिन युग ही आगे बढ़ते रहे, और साथ ही साथ जो तमाम लोग इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आगे
जहाँ का महत्व जानने वाले हैं। तमाम लोगों के जो परिवार आने वाले बच्चे हैं, ये सब आज यहाँ पर बच्चों के रूप में शामिल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इनकी दाढ़ी मूछ आ जाएगी और जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, इनके भी बाल वाइट हो जाएंगे, तब ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और बताएंगे कि देखो हमने इतने साल पहले यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और इस प्रकार से ये कभी न मिटने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास यहाँ की मुक्तागिरी ट्रस्ट ने जो किया है, मैं तहे दिल से पूरा इसका जो क्रेडिट है वो हमारे प्यारे और कभी न थकने वाले श्रीमान अतुल कलमकर जी को देना चाहूंगा। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो। A part of this historical movement, historical film, क्योंकि एक इतिहास रचा है और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमान अतुल जी का। No doubt, अगर वो ये पहल नहीं करते तो शायद ये एक सपना ही रह पाता। महावीर जी की प्रेरणा है कि हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम तमाम जो अतिथि हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ग्रुप में वो भी शामिल हो जाए। प्लीज अपने अपने स्थान से जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी का। विशेषकर हमारे बीच में आप देख सकते हैं शाह परिवार से जो मैडम आई हुई हैं, आ जाइए थोड़ा। आज पहला धन्यवाद तो इन्हीं को जाता है, क्योंकि जब अतुल जी ने मुझे बताया कि शाह परिवार एक ऐसा परिवार है जो इस परिसर को हमेशा हमेशा के लिए और महत्ता प्रदान करना चाहता है, अजर अमर बना देना चाहता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपके पूरे परिवार को और हम दिवंगत सारी आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो जहां कहीं भी हो हमेशा वो यूं ही चमकते रहें और सदबुद्धि देते रहें पूरे जैन समाज को। क्योंकि आज मैडम मुझे लगता है कि आपने जो ये कदम उठाया है, ये कदम सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मुक्तागिरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा जैन समाज, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी जैन समुदाय के लोग हैं वो सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे। और विदेशों से भी लोग यहां पर आते ही हैं और ज्यादा संख्या में यहां पर लोग आएंगे और इसका अद्भुत आनंद उठाएंगे। और कहते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं उसको बनाने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे इंजीनियर्स भी लगते हैं। और हमारे प्रसाद भाई और उनके साथ साथ इस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, सीताबाई संगई स्कूल के जो अध्यक्ष, आज आप देख सकते हैं कि कितना संयम उनके अंदर होगा कि आज हम नौजवान भी अगर कहीं पर थोड़े पीछे हट जाए तो वो एकदम सीधे खड़े रहते हैं, उनका जोश हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हम जब शूटिंग करने के लिए गए थे अंजन गांव में, तो जब प्रसाद जी ने हमारा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया तो हमें यकीन नहीं आया कि इतनी अवस्था में भी कोई व्यक्ति इतना एक्टिव रह सकता है। सचमुच आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया है, आने वाले समय में ये सारे बच्चे भी उसी तरीके से जैन की परंपरा को अपनाते हुए, अपने शाकाहार की परंपरा को अपनाते हुए अपने आप को मेंटेन रखेंगे। सचिन जी हैं यहाँ पर, जयंत भाई हैं, अतुल जी हैं ही, और एक अतिथिगण जो पधारे हैं हमारे गणेकर साहब, उनसे भी हमारा परिचय हुआ है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनकी जो भावना है, वो 15 सालों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुक्तागिरी से। और ये महावीर जी का मैं आशीर्वाद समझता हूँ कि वो इतने बड़े पद पर हैं, जहां से वो इस क्षेत्र की गरिमा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा वाकई उनसे निवेदन रहेगा कि वो जिस तरीके से भी हो सके शिद्दत से इस अतुल जी के किए हुए प्रयास को और आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ तो बताया जा चुका है, मेरे पास बताने के लिए वैसे तो ज्यादा शब्द है नहीं। एक लाइन मुझे याद आती है कि मुक्तागिरी में मोती बरसे, ऐसा कुछ कहा गया था। तो मुझे लगता है जितने मोती बरसे थे वो सारे मोती यहाँ पर बिखर गए हैं। और वो हरेक व्यक्ति, हरेक बच्चा, हरेक पुरुष, हरेक महिला, सभी लोग जो यहाँ पर इस हॉल में उपस्थित है, पूरे क्षेत्र में है, छोटी से छोटी सेवा दे रहे हैं, वो किसी
मोती से कम नहीं है, ऐसी मोतियों को एकत्रित करके ही ये मुक्तागिरी बना है। आप सभी के लिए जोरदार एक बार तालियां। मैं अश्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस शूटिंग के दौरान उनको जो महसूस हुआ यहाँ पर कि कैसे बच्चे यहाँ पर लगातार लगे रहे, बड़े बड़े कलाकार थक जाते हैं, लेकिन वहां पर जब हम लोग शूट कर रहे थे कड़ी धूप थी, 3-4 सेकंड में हम लोगों ने इसका शूटिंग किया, कभी झरना है तो कभी धूप नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जैसे हम लोग तो ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि हमने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली है, तब हम जाके ये सारी चीजें करते हैं। मुझे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी मिलती थी जब मैं इंस्टीट्यूट में था ये सारी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जब हम लोग एक गीत बना रहे थे, इसकी कंपोजिशन चल रही थी, मुक्तागिरी चल रहे, यूट्यूब पे आप मुक्तागिरी सॉन्ग टाइप करेंगे तो आप सभी लोगों को मिल जाएगा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पूरा गाना हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे और हमको भी ऐसे लगता था कि इसमें और कुछ हो जाता तो अच्छा होता। तो मुझे रात को अतुल जी का फोन आया और उन्होंने कहा, महेश जी कुछ ऐसा हो सकता है क्या, ये जो गाना है इसमें एक लाइन आती है, तो इसमें एक लाइन आती है कि ये मुक्तागिरी है आशीष से भरी। ऐसे हमारे राइटर्स सारे जो है उन्होंने मिलकर इसको लिखा था। अतुल जी ने मुझे फोन किया कि ये आशीष से भरी जो लाइन है इसको अगर आप चेंज करें और इसको करें कि मुक्ति से है भरी, ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। दीपा जी ने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी, मैंने भी इसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी, म्यूजिक भी तैयार हो गया था, लेकिन जब मैंने उनको ये बात बताई तो मुक्तागिरी वर्ड को मुक्ति से जोड़ने का ये आइडिया सभी को बेहद पसंद आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग आर्टिस्ट नहीं है, अतुल जी कहीं ना कहीं छुपे हुए कलाकार है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सचिन भाई कहाँ चले गए हैं, यहाँ बैठे नहीं कर सचिन भाई। हाँ मैं एक बार उनको बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर मुझसे छूट रहे हैं। और जयंत जी कहाँ है, क्योंकि ये ही वो त्रिदेव मैं कहूंगा इनको, ये ही वो तीन पिलर्स है। जब मैं पहले बार यहाँ पर आया था तो अरिहंत के चैनल आप लोग देखते ही होंगे, इसका लॉन्चिंग था, आस्था चैनल की ही एक ब्रांच है और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कवरेज के लिए आए हुए थे। तब अतुल कलमकर जी की जो माता जी हैं उनसे हमारी बात शुरू हुई थी, उनके अश्मा जी ने बहुत सारे इंटरव्यू किए थे और उनकी श्रद्धा भावना हमने देखी, हम बहुत प्रभावित हुए। हमें ऐसा लगा कि जरूर जब यहाँ के अध्यक्ष उनके बेटे हैं तो वाकई वो ऐसा हीरा होगा जिसकी चमक कभी छूटी नहीं पड़ेगी। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमारे कंधे से कंधा मिला है। सचिन भाऊ ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं आज ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये स्क्रिप्ट आप सोच रहे होंगे कि 35 मिनट की एक फिल्म है, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट हो सकती है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी स्क्रिप्ट होगी, 5 पेज 10 पेज 20 पेज। एक बार हम लोग 35 पेज की स्क्रिप्ट लेकर बैठे, चिंतन मनन हुआ, फिर सचिन जी का फोन आता है, अतुल जी का फोन आता है, फिर हम लोग मुंबई से दोबारा आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर दूसरी स्क्रिप्ट रेडी होती है, फिर 15 दिन बीत जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं है, फिर वापस हम लोग फिल्म एकत्रित होते हैं, फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ऐसे करते करते लगभग साल भर बीत गया होगा, 8 महीने तो पक्का बीत गए होंगे और इतना बड़ा पंच हम लोगों के पास स्क्रिप्ट का तैयार हो गया है। इतने देर बदल एक एक तारीख पर बारीकी से काम किया, सचिन भाव ने बहुत इसमें सहयोग किया, जयंत जी ने अपने सजेशन दिए और अतुल जी तो फोन पे के हमारे साथ जुड़े ही हुए थे। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि सारे बच्चों के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी हम लोग इस फिल्म को देखें। जय जिनेंद्र। तूफान और आदमी दिल में पुण्य का भाव बने।
तो निशान है जिंदगी और शाह परिवार ने दिखाई राह पर ही चलना है जिंदगी और शाह परिवार ने दिखाई राह पर ही चलना है जिंदगी। माननीय श्री मुकुंद जी संदेई जो मेरे पिता भी है, आप सीताबाई संदेई एजुकेशन सोसाइटी अंजनगांव के विद्यमान अध्यक्ष है एवं अंजनगांव सूची नागरिक सहकारी बैंक के आप संचालक भी है। और सचिन जी इन्होंने इस फिल्म को स्क्रिप्ट राइटिंग किया है, इनके लिए मैं मराठी में आपको चार पंक्तियां सुनाता हूँ। घेतो सर्वांच्या हृदयाचा ठाव, घेतो सर्वांच्या हृदयाचा ठाव आहे जसा मणीचा अभंग आहे जसा। और महाराष्ट्र सरकार के एक सक्षम अधिकारियों में से एक जाने जाते हैं। आपको भारत सरकार का लाल बहादुर शास्त्रीय पुरस्कार मिला है। हमारा सत्कार आपने स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद श्री मंगेश पुलंबरीकर एवं सौ प्रीति पुलंबरीकर। इसके बाद श्री विशाल वेलांडे एवं सौ लीना वेलांडे कृपया आए, वो दोनों यहाँ पे शायद नहीं है। श्री विशाल श्री सन्मति दुट्टे एवं सौ वंदना दुट्टे। इसके बाद यहाँ पधारेंगे श्री सन्मति एवं सौ वंदना दुट्टे। इसके श्री कीर्ति दरियापुरकर, कीर्ति दरियापुरकर कृपया आ गए हैं। इनके बाद श्री अनूप जी सौ अनुसुजा तड़ंकर कृपया सामने आए। इनके बाद श्री जयंत भाव जोरापुरकर एवं सौ मनीषा ताई जोरापुरकर। कहते हैं निकलने जा रही है अक्षमा जी और महेश जी के साथ, तो उनके लिए लाइफ टाइम एक प्राइज होगा। माननीय मंच और आज के
इस मुक्तागिरी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर शो पर उपस्थित सर्व धर्मानुरागी इस क्षेत्र पर अपना समय निकाल कर आए, ऐसे सभी बैतूल, अमरावती, कारंजा, नागपुर, परतवाड़ा, अंजनवासुर जी, ऐसे बाहर गांव से आए सभी महानुभाव, इन सभी का मैं सिद्ध क्षेत्र कमेटी की ओर से व्यक्तिशः आपका सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस शुभारंभ के अवसर पर आपने श्री सचिन जी संगे, जिन्होंने अपने प्रास्ताविक में इस प्रीमियर शो के बारे में आपको कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री का हमारा उद्देश्य है ये सब बताया। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जो विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे सीताबाई संगे एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताबाई संगई स्कूल के प्रिंसिपल श्री संजय भाऊ और सभी स्टाफ और सभी सीताबाई संगई के विद्यार्थी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एंकरिंग का मेन रोल इसमें प्ले किया है। क्योंकि एंकर के साथ में इन्होंने मिलकर जो काम किया है, ये सुबह 6 बजे से अंजन गांव से निकले थे और अंजन गांव से मुक्तागिरी तक पहुंचने में उनको रात के 8 बजे गए थे। 35 किलोमीटर सुबह 6 बजे निकले और रात को 8 बजे मुक्तागिरी। जैसे अभी कल आप लोग शाह परिवार पुणे से निकले, रात को पहुंचे, वैसे ये 35 किलोमीटर पहुंचे। आप ये बच्चों की कैपेसिटी देखो, एक ही ड्रेस में, नो चेंज इन ड्रेस, वही ड्रेस कोड रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, उसी में रहना है और कोई चेंज करना नहीं है और गायब भी नहीं होना है। चलो बीच में से गायब हो गए तो प्रॉब्लम। तो इनकी जिस तरह से अंजन गांव के अंदर में पूरा पहले दिन पूरी तैयारी कर ली, उनकी स्क्रीन टेस्ट ले ली, ये सब कर लिया, इसके लिए महेश जी ने बहुत समय दिया, डेडिकेटेडली उन्होंने किया, दिल से किया। मैं एक देखा हूँ महेश जी की विशेषता, उन्होंने अगर दिल पे ठान ली कि मुझे ये करना है, वो करते हैं। वैसे ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में उन्होंने यही किया, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट्री एक अजरामर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री आने वाले सालों तक, युगों तक लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी, क्योंकि ये इतिहास है। क्योंकि इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ कर अगर बताया जाएगा तो गलत होगा। आप देखेंगे कि अपने भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने और कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर ही बताया है। इतना ही नहीं कि अपने अगर आप किताब भी देखेंगे स्कूल की, उसके अंदर भी कुछ इतिहास इसी तरह से तोड़ मोड़ कर ही बताया। अंग्रेजों ने अपने को फ्रीडम दिया, अंग्रेज कौन होते फ्रीडम देने वाले। तो यही मुक्तागिरी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमने सोचा कि इसकी डॉक्यूमेंट्री लिखते समय इसका इतिहास वही रहे जो है और लोगों को पता भी चले। इससे फायदा यही होगा कि अभी तक कोई जानना भी चाहता था मुक्तागिरी के बारे में तो उसको ओरली बताया जाता था, या एक किताब में पूरी का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता था। ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर में इंक्लूड किया है। 35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष आभार फिर से व्यक्त करता हूँ महेश जी को, रक्षमा जी का और प्रीतम जी शाह उनके परिवार का,
जिन्होंने यहाँ आके इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई, श्री गणेकर जी जो कि हम सबके बीच में आज यहाँ पर हैं, माइती के अधिकार श्री अन्नाभाऊ हजारे, एक चेहरा दिसतो आणि अशा माहितीचे अधिकाराचे अधिकारी आता त्यांना सुद्धा या डॉक्युमेंटरीची माहिती आज या माहितीच्या अधिकारातून नाही पण प्रत्यक्षातून तर नक्कीच माहिती तर त्यांचे पण मी आभार मानतो. त्या आधी त्या आला त्यांनी आमच्या या प्रमुख अतिथी म्हणून मागणीला त्यांनी मान्य दिली, स्वीकार केला. तर आपण पुनश्च इथे बऱ्याच वेळेपासून बसला, आपण आतुरतेने या डॉक्युमेंटरीची वाट पाहत आहे. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही असं मी तीनदा म्हटलंय, परत चौथ्यांदा म्हणतोय आणि थोडासा वेळ घेतोय कारण असं म्हणून म्हणूनच थोडंसं मला बोलता येत आहे, अन्यथा मला बंद करावं लागलं असतं. तरी असो मी आपल्या सगळ्यांचे पुनश्च आभार मानतो व माझ्या शब्दाला इथेच पूर्ण विराम देतो. जय जिनेंद्र.